नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, उसी तरह कुछ एक और फार्मिंग होती है जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और आज जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ये आप डिफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें। जो भी हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, या वीडिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए जो होते हैं हमारे, इन सब का जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, हम कितना कम से कम इनका यूज करें। साथ ही हम जो क्रॉप को उगाने की प्रैक्टिस है उनमें हम जो हो गया, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, एनिमल मैन्योर्स का यूज करना हो गया, ग्रीन मैन्योर्स हो गया, लेग्यूम मैन्योर्स हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, बायोलॉजिकल अगर पेस्ट का कंट्रोल करना है तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इस तरह की चीज़ों पर हम निर्भर रहते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक बार से फिर आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है, अगर एक लाइन में कहें, कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों पर निर्भर रहना है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ें हमारी इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड या जो भी केमिकल यूज करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों में कौन कौन सी आ गई, जैसे हमने क्या किया, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, जो भी पेस्ट कंट्रोल हो सकता है उससे वीड कंट्रोल हो सकता है। एनिमल मैन्योर्स का यूज करेंगे, FIM हो गया, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, लेग्यूम क्रॉप का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज करेंगे एज अ मैन्योर, पेस्ट कंट्रोल करना है तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट इंटीग्रेट साइट स्पेसिफिक कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रैक्टिसेज डिजाइन टू फॉस्टर द साइकिलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम कल्चरल जो प्रैक्टिसेज होती हैं उनका यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस हो गई या फिर मैकेनिकल प्रैक्टिस। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आपको केमिकल प्रैक्टिस नहीं दिख रही है। मतलब हम केमिकल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंट तक हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना हम करते हैं, और ऐसी चीज़ों पर हम निर्भर रहते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहता है और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी सेव रहती है। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अगर बात करें जनरल प्रिंसिपल हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो यही प्रिंसिपल हैं, प्रोड्यूस फूड ऑन हाई क्वालिटी इन सफिशियंट क्वान्टिटी। क्वालिटी जो है इसकी ज़्यादा होगी और क्वान्टिटी भी सफिशियंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लिखी हुई, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर हम देखें, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है, अभी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम करते आ रहे हैं, केमिकल बेस्ड फार्मिंग, इसके बाद जब आप डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो क्या होगा कि पहले के 3 से 4 सालों में आपका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम होगा। इस वजह से इसमें क्या कह रहे हैं, सफिशियंट क्वान्टिटी कह रहे हैं। क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी न्यूट्रिएंट उसमें बहुत अच्छे होंगे, केमिकल्स नहीं होंगे, क्वालिटी बेस्ड वो बहुत ही अच्छा होगा, क्वालिटी बेस्ड उसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो वो अभी जो आप केमिकल बेस्ड कर रहे हैं उससे थोड़ा कुछ कम रहेगी। लेकिन अगर आप लगातार वही ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेज करते रहेंगे तो कुछ साल में वो फिर क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। टू इंट्रैक्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ इन्हांसिंग वे होता है, जब क्वालिटी आपकी बढ़ेगी तो उससे आपका क्या होगा, जो लिविंग स्टाइल है वो भी आपका अच्छा होगा। टू कंसीडर द वाइडर सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, सोशल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है जो बेनिफिशियल होता है। इनकरेज एंड इन्हांस बायोलॉजिकल साइकिल विद इन द फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किस तरह हमें बायोलॉजिकल साइकिल जो है उसको कम्प्लीट करना है फार्मिंग सिस्टम में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सॉइल, फ्लोरा, फौना, प्लांट, एनिमल, इन सब का यूज करके, टू मेंटेन एंड इंक्रीज द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्ट क्रॉप को ग्रो करने की या प्लांट को ग्रो करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो लगातार क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है। ये भी नहीं कि वो एक ही स्टेट पर जाकर रुक जाए, नहीं, वो लगातार इंक्रीज भी होती रहती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहती है।
to promote the healthy use of the proper care of the water, water resources and all life therein. तो वाटर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, या जो भी उसमें लाइफ है, वाटर की लाइफ जैसे मछलियाँ हो गई, सीप हो गया, जो भी चीज़ें वहाँ, जो भी बायोलॉजिकल लाइफ है, फ्लोरा और फौना, वो भी जो हमारा क्या होता है, उनको भी हम प्रमोट करते हैं किसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में. टू यूज एज फार एज पॉसिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन लोकली ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम. हम ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, जिनकी जो मतलब एक तरह से फिर से हम उनको एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, इन इन चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट करते हैं. टू गिव ऑल लाइव स्टॉक कंडीशन ऑफ लाइफ विद ड्यू कंसिडरेशन फॉर द बेसिक आस्पेक्ट ऑफ देयर इननेट बिहेवियर. तो लाइव स्टॉक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि जो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर प्राप्त होगी वो आपको कहाँ से, लाइव स्टॉक से ही प्राप्त होगी. टू मिनिमाइज ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी आपका क्या होता है, मिनिमाइज होता है. टू अलाउ एवरी वन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपकी इन्हांस होती है. टू प्रोग्रेस टूअर्ड्स एन इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन विच इज़ बोथ सोशली जस्ट एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल. मतलब अगर आप देखें तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो आगे चल के जो आपकी सॉइल डिप्लीट हो चुकी होगी, वाटर जो है डिप्लीट हो चुका होगा, वाटर पोल्यूशन हो चुका होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका होगा, तो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए आप एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने ऊपर, सोशली और इकोलॉजिकली भी, जो इन्वायरमेंट को सेव करके दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं. तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के. इसके बाद अगर कंपोनेंट की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो यही हो गया, मतलब हमें किस तरह से, हमें जो ऑपरेशन तो हैं, अगर पेस्ट तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे उसमें भी लगेगा, कोई ना कोई इंसेक्ट का हमला उसमें भी होगा, लेकिन हमें किस तरह से केमिकल कम करना है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रख के जो भी चीज़ करेंगे वो सारे इसके कंपोनेंट हो जाएंगे. जैसे डाइवर्स क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन करेंगे तो एक क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही क्रॉप, जहाँ एक ही क्रॉप एक ही फील्ड पे लगातार उगाते रहें, तो उसमें क्या होगा, जो भी इंसेक्ट पेस्ट हो गए, उनके जो पोर्स हो गए या एक्स हो गए, वो उस सॉइल में आ जाएंगे और वो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो चुका होगा उस सॉइल में उस इंसेक्ट पेस्ट के लिए. लेकिन जब हम एक तरह से क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे तो इससे उसका खतरा कम हो जाएगा और पेस्ट का कंट्रोल या मैनेजमेंट भी हो सकता है, इसी तरह वीट का भी होगा. तो डाइवर्स क्रॉप रोटेशन करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट भी इससे होगा. जब हम FYM का यूज करेंगे, केमिकल का यूज कम करेंगे, तो इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट होगा. वीट कंट्रोल भी हम इसी तरह करेंगे, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट हो गया. कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे निराई गुड़ाई हो गया, हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे. नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, नेचुरली हम पेस्ट और डिजीज का कंट्रोल करेंगे. इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम करेंगे, न्यूट्रिएंट इंटीग्रेटेड तरीके से, जैसे बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट या फिर ग्रीन मैन्योर हो गया, लेग्यूम्स का यूज करके हम राइजोबियम से नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं. FYM हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फिश मैन्योर हो गया, तो ये सब चीज़ों का यूज करके हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे. बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्कि मतलब जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे हमारा FYM और कंपोस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट की हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे. बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग, वही जो आपको अभी बताया. अब अगर बात करें एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो प्रिंसिपल में लगभग आपको एडवांटेज देखने को मिल गए होंगे, जैसे सॉरी इसमें स्पेस नहीं दे पाए. इट हेल्प इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, साथ में बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है. इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रेश रिसोर्स फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स जो है वो भी हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिमम उनका यूज करते हैं और उनका भी कंजर्वेशन होता है. फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये जो है हम इसको सेव करके रखते हैं. सॉइल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसमें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया, या फिर पोर स्पेस हो गया, पोरोसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी, ये भी हमारी इम्प्रूव होती हैं. इसके साथ ही सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक. न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट भी, जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी रिएक्शन जो है अच्छे से होता है सॉइल में. पॉल्यूशन जो है वो कम होता है. कंजर्वेशन करते हैं हम, वाटर का कंजर्वेशन करते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं, तो ये भी हमारा कम होता है. और इस तरह से हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये सारे लाभ हैं.
प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी भी कुछ दिनों में इन्हांस होती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, फूल जो फूड है हमारा वो क्वालिटी फूड होता है जैसे हमने आपको बताया, इसमें बहुत सारे अच्छे से न्यूट्रिएंट रहेंगे, केमिकल की कमी रहेगी, तो हमारी जो फूड होगा वो हमारा क्वालिटी फूड होगा। और एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा किस तरह से, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो एक तरह से हम इको टूरिज्म को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया। रिटर्न इन्वेस्टमेंट जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अपेक्षा रिटर्न हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाई डिमांड होती है, हाई डिमांड की वजह से इसका प्राइस अच्छा होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए किसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। वहीं कुछ अगर बात करें तो जैसे लिमिटेशन भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो कौन कौन सी लिमिटेशन, जैसे एक तो प्रोडक्टिविटी हो गया, पहले बताया कि जैसे आप केमिकल फार्मिंग के बारे में, जो अभी इंटेंसिव केमिकल फार्मिंग अभी हम लोग कर रहे हैं ज़्यादातर प्रिविलेंट है इंडिया में, उसके बाद डायरेक्ट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, क्वांटिटी में जो है वो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, क्वालिटी तो अच्छी होगी लेकिन क्वांटिटी हमारी कम होगी, लेबर इंटेंसिव है, साथ में कल्टीवेशन, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं ज़्यादातर कल्चरल प्रैक्टिसेज हो गया या फिर केमिकल प्रैक्टिस हटा के हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम कल्चरल प्रैक्टिसेज ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा कि लेबर का भी कॉस्ट ज़्यादा आएगा, और साथ ही स्किल की और नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होती है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होगा। अब मान लीजिए हमें ग्रीन मैन्योर देना है या ऑर्गेनिक मैन्योर देना, हमें पता ही नहीं है ऑर्गेनिक मैन्योर बनता कैसे है या ऑर्गेनिक मैन्योर क्या चीज़ है और इसके लाभ क्या होते हैं, तो हम उस चीज़ को क्यों करेंगे, इसलिए हमें स्किल और नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लैक ऑफ कन्वीनियंस इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी इसमें क्या होता है थोड़ा अभी, क्योंकि जो चीज़ आप सीधे सीधे देख लीजिए, जो चीज़ ज़्यादा नहीं होती है उसको शुरू शुरू में करने में क्या होता है प्रॉब्लम होती है, तो वही बात है लैक ऑफ कन्वीनियंस इसमें भी होगा, क्योंकि अभी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना प्रिविलेंट हुआ नहीं है, अभी भी बहुत ही नाम मात्र की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसलिए इसके मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत